मैदान में शीतकालीन क्रिकेट टूर्नामेंट का आज 15वां दिन इस समय चलता हुआ पाना भी वर्सेज पगना ए के मध्य आज का फर्स्ट मुकाबला यहां पर खेला जा रहा है और दूसरा लीग खेला जा रहा है। तो एक बार सभी दर्शकों को सभी क्रिकेट प्रेमियों को उत्तरायणी पर्व और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं बधाइयां। तो इस समय टीम का स्कोर 52 रन जबकि पारी का इस समय 6वां ओवर प्रगति पर जबकि 4 विकेट गंवा चुकी है पगनाए। तो काफी रोमांच मुकाबला इस समय चलता हुआ पवन नगर के खूबसूरत मैदान में धीरे धीरे दर्शकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी। हालांकि कुछ समय पहले यहां पर लाइट नहीं थी तो इस वजह से हम आपको अभी तक जो स्कोर है वो आप तक नहीं सुना पाए। तो इस बीच चले एक बार फिर से राइट अप ओवर द विकेट से अच्छी गेंद उछाल वाली गेंद खेलते उसको थर्ड मैन की दिशा में जब तक थर्ड मैन द्वारा गेंद फील्ड होते आसानी के साथ 1 रन पूरा किया और इस 1 रन की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 54 रन जबकि 4 विकेट गंवा चुकी है पगना ए। तो काफी रोमांच मुकाबला इस समय चलता हुआ शीतकालीन क्रिकेट टूर्नामेंट का आज 15वां दिन पगना ए वर्सेज पाना बी के मध्य दूसरा लीग यहां पर खेला जा रहा है। तो एक बार देख पा रहा है ओवर द विकेट से लेकिन लेग स्टंप से काफी बार अंपायर जसपाल द्वारा व्हाइट एक और अतिरिक्त टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 55 रन जबकि पारिका अभी भी 6वां ओवर प्रगति पर दिख पाल के द्वारा। तो एक बार अपने बॉलिंग मार्च पर वापस दिख पाल राइट अप ओवर द विकेट से सामने सुरेंद्र चले अंपायर जसपाल को पार करते हुए अच्छी गेंद काफी नीचे रहती हुई गेंद जब तक थर्ड मैन द्वारा गेंद फील्ड होती आसानी के साथ 1 रन पूरा किया लेग बाय का इशारा अंपायर जसपाल द्वारा इस 1 रन की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 56 रन जबकि 6 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 56 रन जबकि 4 विकेट गंवा चुकी है पगना ए। तो काफी संतुलित गेंदबाजी समय चलती हुई पाना बी की तरफ से काफी सदी हुई गेंदबाजी वहीं दोनों सलामी बल्लेबाज अभी भी क्रीज पर इस समय सुरेंद्र नॉन स्ट्राइक पर प्रकाश काफी अनुभवी बल्लेबाज इस समय मैदान में गेंदबाज अंशुल काफी लंबा बॉलिंग मार्च इस समय कंडल पानी छोर से राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे पहली बार सामना करेंगे सुरेंद्र इस ओवर में। चले एक बार फिर से अंपायर जसपाल को पार करते हुए उठा के खेल दिया इसको एक्स्ट्रा पॉइंट के क्षेत्र में गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो इस चौके की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 60 रन जबकि पारी का समय 7 ओवर प्रगति पर अंशुल द्वारा अपने कोटे का 2रा ओवर और टीम की तरफ से 7वां ओवर लेकर गेंदबाजी कर रहे अंशुल राइट अप ओवर द विकेट से कंडल पानी छोर से एक बार फिर से चले इस बीच अंपायर जसपाल को पार कर दो फुल टॉस गेंद खेल दिया उसको थर्ड ओवर की दिशा में गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए और 9 बॉल 5 रन मिलेंगे और इस 5 रन की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 65 रन जबकि अभी भी पारी का 7वां ओवर प्रगति पर अंशुल के रूप में